राय ने भी बोल दिया एक्सेलेंट। शॉमिक बना रहे हैं ऐसा फर्स्ट डे ना थोड़ा हॉटस्पॉट रहता। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज संडे है एंड अभी टाइम हो रहा है 9:15, नहीं अभी टाइम हो रहा है 10:15। आज से डेलाइट सेविंग हो गया है, यानी हम लोग एक घंटा पीछे चले गए, राइट शॉमिक? और आगे चले गए। जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये नवंबर के महीने में जो डेलाइट सेविंग होता है ना, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। बिकॉज व्हेन यू वेक अप एंड आपको लगेगा अरे 9 बज गया, बट वो लोग बोलेंगे 8 बज गया। तो अभी घर का सारा क्लॉक ठीक कर रहे हैं, सिर्फ मेरे बेडरूम का क्लॉक वो मैंने और चेंज नहीं किया, सो नाउ द टाइम इज़ परफेक्ट। अरे अटू ऊपर हो बे, आप 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 या, तो वो ही सब घर ही ठीक कर रहे हैं। तो अभी मैं वो डेलाइट सेविंग पता नहीं रैक्स को कैसा पता चल गया, रैक्स आज बहुत जल्दी उठ गया, सुबह यू नो 7 o'clock ही वो उठ गया, जनरली वो 8 o'clock उठता है। तो फिर हम लोग भी उठ गए, फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट खा लिया। ब्रेकफास्ट में मैंने पराठा बनाया था एंड ऑमलेट ब्रेकफास्ट हो गया। फिर कल ना मुझे थोड़ा खांसी हो रहा था, तो मुझे लगा चलो टेस्टिंग कर लेते हैं, यू नो बेटर टू बी सेफ। तो सुबह लेक उठ के बहुत ही सारा प्रोडक्टिव काम हो गया, तो मैंने टेस्टिंग भी कर लिया, तो वो निगेटिव आया। वाई राय का कोई प्रोडक्टिव नहीं था, राय स्लेप्ट, राय अभी उठी है। तो राय का भी ब्रेकफास्ट हो गया है, अभी मैं और शॉमिक सोच रहे हैं कि हम लोग होल फूड्स जाएंगे। बहुत महीना हो गया, आई थिंक तो लास्ट हम लोग दिसंबर में गए थे होल फूड्स, तो चलिए अभी होल फूड्स घूम के आते हैं। एंड आज का मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा की बाय रे, ठंडा तो हो गए बट एनी हाउ इट्स सनी सो दैट्स फाइन। आज काफ़ी अच्छा शॉपिंग रहा, शॉमिक सामान रख रहे हैं, बहुत सारा सामान ना जो हम लोगों के वहाँ के ग्रोसरी स्टोर में नहीं मिलता है वो होल फूड्स में मिल गया। पर एक्चुअली आई डोंट नो ना होल फूड्स से कैसे करके होम डिलीवरी करते हैं। तो शॉमिक बोल रहे थे तुम प्राइम में ही कर सकती हो, पर मैंने देखा है ना वहाँ पे लॉट ऑफ थिंग्स लाइक जो यहाँ पे मिलता है ना वेबसाइट पे लिखा हुआ नहीं है, या मे बी आई हैव टू लर्न, तो इजी होगा। जैसे कि आज सिर्फ 3 ही हैं था, तो हम लोगों ने वो 3 ही लिया है। तो अभी घर जाके फिर खाना बनाएंगे, पर हाँ लाइक मिशन वाज सक्सेसफुल, क्योंकि ये हम लोगों के घर से इट्स अराउंड 10 miles दूर है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे अराउंड 1 pound ऑफ श्रिम्प है एंड मैं इससे ना श्रिम्प पकौड़ा बनाऊंगी। तो उसके लिए फर्स्ट मैंने श्रिम्प को बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश किया है एंड देन ना आपको फुल ड्राई करना है, लाइक श्रिम्प में बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा। तो फर्स्ट मैं इसमें अराउंड 1 teaspoon ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ, उसके बाद सम लेमन जूस, फिर हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे एंड देन आई हैव एडेड रेड चिली पाउडर इन इट। उसके बाद ना हम लोग इसमें फाइनली चॉप करी लीव्स ऐड करेंगे, मैंने अराउंड 10 ऐड किया है। देन ऐड लिटिल बिट ऑफ जीरा एंड धनिया, अराउंड 1/2 teaspoon ऑफ जीरा एंड धनिया, थोड़ा अनियन पाउडर अगर हो तो। एंड फिर मैंने इसमें राइस फ्लोर ऐड किया है, सपोज इफ़ यू डोंट हैव राइस फ्लोर देन ऐड कॉर्नस्टार्च, क्योंकि बहुत क्रिस्पी होगा इफ़ यू ऐड राइस फ्लोर यानी चावल का आटा। फिर हम लोग इसमें ना थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे एंड इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है एंड इस तरीके से मिक्स करना है ना, ताकि सारा मसाला जो है ना वो श्रिम्प में लग जाए। तो अभी इसको हम लोग मैरिनेटेड रखेंगे फॉर अराउंड 2 to 3 hours, तो बहुत टेस्टी होगा। तो अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी कवर करके। अभी टाइम हो रहा है 12:30, यही शनिवार को आज होता तो मैं 11:30 बोलती, पर कोई बात नहीं, एज अ फर्स्ट डे ना थोड़ा हॉचपॉच रहता ही है। व्हाट हॉचपॉच हॉचपॉच, वाई दे डोंट से हॉचपॉच। लक्ष्यू को देखो प्यार मिल रहा है राय दीदी का। तो जो भी हो वो श्रिम्प अभी आपको फ्राई करना है, यू नो कीप इट मैरिनेटेड, तभी टेस्टी होगा। एंड संडे है एंड बहुत दिन हो गया मैंने अपना बिरयानी नहीं खाया, तो आज मैं बिरयानी बनाऊंगी अभी। तो मुझे बहुत बिरयानी खाना पसंद है, तो फर्स्ट मैं आलू कट कर रही हूँ, क्योंकि कोलकाता स्टाइल बिरयानी में आलू इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड अभी मैं प्याज को बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी। कोलकाता
कोलकाता बिरयानी में आलू बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ऐसा बड़ा बड़ा, तो मैंने कट करके ना पानी में भिगो के रख दिया है। एंड यहाँ पे मैंने चावल भी भिगो दिया है। ये खजाना का बासमती राइस है एंड ये बहुत लाइक इसका एरोमा सच्ची बहुत ही अच्छा है, जिसने मुझे रेकमेंड किया था, थैंक यू। एंड मैं और ये बिरयानी का रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लगता है मैंने बहुत बार शेयर किया है एंड मुझे पता भी नहीं कितनों को ऐसा कोलकाता स्टाइल ऑफ बिरयानी पसंद है। बट हाँ, जो लोग भी मेरे बंगाली व्यूअर्स है, अगर आपको ऐसा कोलकाता स्टाइल बिरयानी जानना है ना, तो द बेस्ट इज ना, वो बहुत सारे रेस्टोरेंट में ना वो लोग दिखाते हैं हाउ दे मेक द बिरयानी, तो वो ना, क्योंकि मैं बोल रही थी ना मुझे लाइक अभी बिरयानी खाना ही सबसे ज़्यादा पसंद है, पर डेली डेली खाना तो अच्छा नहीं है, तो पर एटलीस्ट वंस इन अ मंथ तो मैं बनाती हूँ, कभी कभी ट्वाइस इन अ मंथ भी हो जाता है। तो आई यूज टू वॉच ना लॉट ऑफ वीडियोज जहाँ पे वो लोग रेस्टोरेंट में बनाते हैं, तो एंड देयर आर लॉट ऑफ लाइक कोलकाता में देयर आर सो मेनी फूड ब्लॉगर्स है ना, तो वो लोग ऐसा जाते हैं एंड दे शेयर दैट हाउ दे मेक, तो वो देख देख के ना लाइक मुझे परफेक्ट अभी बनाना आता है, बट डेफिनेटली आई डोंट हैव दैट मीठा आतुर। मीठा आतुर से एरोमा और भी ज़्यादा अच्छा होता है, पर मुझे लगता है अभी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, तो एनी हाउ मेरे पास है भी नहीं। तो चलिए अभी मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो जिस ऑयल में मैंने प्याज फ्राई किया था, प्याज मैंने निकाल लिया है, तो अभी मैं उसमें आलू फ्राई कर रही हूँ। एंड फिर यहाँ पे ना मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ। चिकन को मैंने सिर्फ मैरिनेट किया था लिटिल बिट ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी एंड रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट से। लाइक चिकन को सिर्फ हम लोग फ्राई करेंगे, इट वॉन्ट बी टोटली कुक्ड। एंड शॉमिक ना मुझे हंस रहे घर पे आके, ही इज लाइक हे तुम इतना भड़कीला वाला लिपस्टिक लगा के क्यों चली गई। मेरे ऊपर में ना लाइक मेरे बैग में ना हर वक्त एक लिपस्टिक मैं रखती हूँ, तो ये लिपस्टिक था, आई थिंक सो दिस इज काइली जेनर का बॉस, बट सेम द कलर इज गुड, डेफिनेटली डे टाइम के लिए नहीं है, और अगर आप चाहें तो पहन भी सकते, पर मुझे ये कलर पसंद है, तो वो मेरे बैग में था, तो मुझे लगा कोई बात नहीं, उन्होंने मास्क भी लगाए तो फॉर मेंटल सेटिस्फेक्शन ऐसा लगता है, नहीं नहीं लिपस्टिक तो लगाया। तो आलू फ्राई करने के बाद ना, उसके बाद ना मैंने इसमें रेड चिली पाउडर दिया है, फिर बिरयानी मसाला, फिर सॉल्ट एंड थोड़ा पानी चाहिए, अराउंड 2 कप ऑफ पानी ऐड किया है, तो इसी में ना आलू ना बॉयल होगा, तो जितने लाइक जो बिरयानी का जो एरोमा है ना वो आलू के अंदर भी आ जाएगा, तो अभी मुझे देखना है कि आलू बॉयल हो चुका है कि नहीं, एंड ऐसा करके करेंगे ना तो आलू ना ड्राई भी नहीं होगा। एंड यहाँ पे मैंने केसर, फिर केवड़ा वाटर थोड़ा, फिर गुलाब पानी, एंड अभी ना मैं इसमें बिरयानी मसाला भी ऐड करूँगी, ये हम लोग नो एट द एंड ऐड करेंगे, तो ये भी मैंने रेडी करके रख दिया। से कितना अच्छा येलो कलर आया है ना, मुझे केसरी कलर बहुत पसंद है। जैसे बोल रही थी ना कि अगर आपको ऐसा यू नो कोलकाता स्टाइल बिरयानी बनाना है, तो डेफिनेटली वॉच ना ऑल द लाइक कोलकाता के जो लोग फूड ब्लॉगर्स है, बिकॉज दे गो टू डिफरेंट रेस्टोरेंट, जैसे कि दादा बोधी बिरयानी, फिर और बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है ना, होटल है ना, तो वहाँ पे जाके ना वो लोग लाइक दिखाते हैं अंदर में वो लोग कैसे बनाते हैं, अभी वहाँ का तो इट विल बी मोर टेस्टी। अमाउंट ऑफ द फूड बोलते हैं ना, जितना ज़्यादा आप खाना बनाएंगे एक साथ में बनाएंगे उतना ज़्यादा टेस्टी होता है, इसलिए आप देखेंगे शादी का खाना कितना अच्छा होता है, पर घर में भी ऐसा हम लोग बना सकते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज़ क्वाइट ईजी, यू नो इतना कुछ ज़्यादा चॉपिंग एंड कटिंग नहीं है, पर आज ये डे लाइट सेविंग के कारण ना बहुत लेट हो गया है, अभी बोल रहा है कि 1:45 हो गया है। तो अभी ना इस ग्रेवी में हम लोग बहुत कुछ ऐड करेंगे, जैसे कि दही, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऐसा जिंजर गार्लिक का जूस ऐड करते हैं, मैं ऐसे ही पेस्ट ही ऐड कर देती हूँ, फिर लिटिल बिट ऑफ लेमन जूस, फिर ये 2 अनियन फ्राई किया है ना, ये हम लोग ऊपर में नहीं देते, अभी इसी में देंगे। तो अभी ना इसमें मैंने दही दिया है, फिर अराउंड 2 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, बिरयानी मसाला, फिर केवड़ा वाटर, मीठा आतोर आपको सब इसमें ऐड करना है, मैं अभी केवड़ा वाटर थोड़ा कम यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैंने चिकन ऐड कर दिया है, एंड फिर हम लोग इसको कवर करके रख देंगे जब तक ना चिकन ना फुल्ली कुक्ड हो जाए, तो अनदर 10 मिनट्स इसमें कुक करेंगे ताकि सारे जो मसाले हैं ना लाइक चिकन के अंदर में सारा फ्लेवर चले जाए, एंड देन विल अगेन लाइक जैसे कि हम लोगों ने
आलू को निकाला है, विल स्ट्रेन लाइक हम लोग चिकन को निकाल लेंगे एंड फिर ये जो ग्रेवी है ना ये हम लोग स्ट्रेन करेंगे, लाइक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ग्रेवी को स्ट्रेन नहीं करेंगे ना तो लाइक सब कुछ मुंह में आता है. दिस विल मेक इट वेरी स्मूथ. तो अभी यहाँ पे खोया है तो खोया को मैं ग्रेट कर रही हूँ. दिस इज़ समथिंग मुझे लगता है जो नॉर्मल दूसरा बिरयानी में ऐड नहीं करते हैं. तो जैसे मैं बोल रही थी ना चिकन इज़ कुक, तो अभी मैं चिकन के सारे पीसेस को निकाल दूंगी एंड फिर जो ग्रेवी है ना अभी हम लोग उसको स्ट्रेन करेंगे. तो वही मैंने इस बार यू नो व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट मुझे बिरयानी खाने का इतना मन कर रहा था तो मैंने बहुत रिसर्च किया था. एंड शायद इस पानी को रोगन बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर. तो अभी मैं ये कढ़ाई को वॉश कर लूँगी एंड हाँ बिरयानी में चावल तो अभी तक नहीं बनाया तो अभी मैं चावल बनाऊँगी एंड जब तो अभी जल्दी जल्दी मैं राइस को बॉयल कर दूँगी. एंड राइस को जब मैं बॉयल करती हूँ ना मैं सिर्फ इसमें लौंग ऐड करती हूँ, छोटी इलायची एंड बहुत सारा तेज़पत्ता एंड राइस विल बी जस्ट 75% कुक. एंड यहाँ पे मैंने पैन को वॉश करके ना फिर थोड़ा घी से ग्रीस कर लिया है, फिर जो रोगन था वो मैंने ऐड कर दिया है एंड उसके बाद मैं चिकन दे रही हूँ एंड ऊपर में मैं खोया दे रही हूँ जो हम लोगों ने ग्रेट किया था. फिर हम लोग ऊपर में चावल दे देंगे, जैसे मैं बोल रही हूँ चावल इज़ ओनली 75% कुक. ये चार चिकन मैंने रख दिया था, फिर इसमें मैंने थोड़ा रोगन भी अलग करके रख दिया है. उसके बाद मैं केवड़ा वाटर, फिर जो मैंने पानी बनाया था केसर से वो ऐड किया है. अभी ऊपर में मैंने ऐड कर दिया है घी, देन अगेन यू नो जो प्रोसेस रहता है मोस्ट ऑफ यू नो. तो अभी अच्छी तरीके से सील करना है एंड फिर दम पे बिठा देंगे. तो मैं ना अभी इसको दम पे दूंगी फॉर अराउंड 30 मिनट्स, लाइक 5 मिनट्स मैं हाई हीट पे दूंगी एंड उसके बाद ना मैं मीडियम टू लो पे कर दूंगी. तो आज रायता शॉमिक बना रहे हैं. व्हाट इज द रेसिपी? रायता फैला रहे हैं. मैंने नहा भी लिया एंड आज काफ़ी एक्चुअली लेट हो गया खाना खाते खाते, शायद 4 o'clock ही हो जाएगा. तो चलिए अभी ओपन करके देखते हैं एंड हाँ इट इज़ परफेक्ट. ओनली वन थिंग इज मिसिंग, दैट इज़ मीठा आतुर, वो मेरे पास नहीं है, नहीं तो फुल खाने में सेम होता है. एंड यहाँ पे सॉरी श्रिम्प पकोड़ा इज ऑल्सो रेडी. तो संडे का मील बहुत ही फैंटास्टिक होने वाला है. अभी फिर शौमिक बोलेंगे, शौमिक कैसा हुआ है आज का खाना? एक्सेलेंट है ऐसा ऐसा. फिर नहीं, हाउ इज द बिरयानी? एक्सेलेंट मामा, हाउ इज इट? राइट भी बोलते हैं एक्सेलेंट. 46 दिखाई भी नहीं, मैं क्यों ये दिखाती हूँ? 446 हो गया. तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी फर्स्ट में एडिटिंग करूँगी, थोड़ा और काम बाकी है एंड उसके बाद ये सब कपड़ा फोल्ड करना है, ये तो जल्दी हो गया. यहाँ में फिर से स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है, लाइक लिटरली अभी बोर लगता है. तो आई गॉट माई फेवरेट चिलीज, इससे वो मैं चिकन बनाती हूँ, ये चिली के साथ मुझे बहुत पसंद है एंड काफ़ी फ्रेश लग रहा है. देन पहली बार आई थिंक सो यूएस में मैंने इतना छोटा गोभी खरीदा, सो इट इज सो फ्रेश, लाइक ये ऑर्गेनिक गोभी है पर यहाँ पे ऑर्गेनिक गोभी भी काफ़ी बड़े होते हैं. देन वर देन आई गॉट दिस सीरियल, देखते ये खाने में कैसा लगता है. आई होप सो रायको अच्छा लगेगा. ये एनीस का है एंड बाकी तो मैंने दिखाया ही है. ये है बटर, इससे मैं एक्चुअली घी बनाऊंगी एंड स्ट्रॉबेरी एंड मैंगो. मैंगो ऐसा देखने में काफी अच्छा लग रहा है. रैक्स आज फुल मूड में है खेलने का. एंड मैंने ना अमेज़न से टॉवल ऑर्डर किया था, लाइक हैंड टॉवल. तो देखती हूँ कैसा है बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं टॉवल खरीद रही हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं टॉवल बेड बाथ से ही खरीदती थी. ये कुछ ज़्यादा छोटा लग रहा है, वेट लेट मी सी. वो ही डिस्क्रिप्शन तो मैं कभी पढ़ती नहीं हूँ. या आई फील सो हो नो, दिस इज परफेक्ट. यह अच्छा है.
या ये सुंदर है, ये बड़ा है, या दिस इज गुड, या रैक्स भी देख रहा है ऐसा। ये घर अभी तो कोई बाहर का आता भी नहीं है, तो घर के लोगों के लिए आई थिंक सो दिस इज परफेक्ट। एंड दिस टॉवल्स आर ओके, मैं बोलूँगी इतना अच्छा नहीं है, पर चलो हो जाएगा डेली यू नो डेली यूज के लिए है, क्योंकि हैंड वॉश के लिए आप देखेंगे टॉवल बहुत लगता है, यहाँ दिखा भी रही है। चलो वायलिन प्रैक्टिस करो। एंड अच्छा होता है यू नो अगर हम लोग चले जाते, अभी नेक्स्ट वीक इज ओनली द टाइम जब हम लोग जा सकेंगे मॉल में। अभी ना मुझे पहले का बात अलग था यू नो, अभी ना आई कॉन्ट ड्राइव सो फार क्योंकि प्रॉब्लम होता है बैठने में, एंड द प्रॉब्लम इज वेरी फनी, लाइक बहुत प्रॉब्लम होता है यू नो जब मैं बैठ के कार चलाती हूँ, क्योंकि दिस इज समथिंग जो मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है ड्यूरिंग राइस टाइम, तो मुझे तब कार चलाना ही नहीं आता है। सो आज 9 o'clock से पहले हम लोगों का डिनर हो गया है, एंड आज हम लोगों ने वॉशिंग मशीन 2 बार चलाया, यानी ड्रायर भी 2 बार चला, तो बहुत सारा कपड़ा हो गया था। एंड अभी मैं बोलूँगी 80% ऑफ घर का काम सच्ची बोलूँ शॉमी की करते हैं, लाइक बहुत हेल्प करते हैं मुझे। तो आज मंडे है एंड हैप्पी मंडे, ऐसा ठंडी तो पता नहीं हम लोग यहाँ से कब जाएगा, नहीं अप्रैल हो ही जाता है, अप्रैल में हो ही जाता है जाते जाते, पर इट्स सनी, तो मुझे लगा चलो मैं भी चलती हूँ रेक्सू बाबा एंड शॉमिक के साथ पार्क में वॉक करने। एंड थैंक यू ऑल, सो मेनी ऑफ यू सजेस्टेड मी कि पायल दूध पीना, लाइक हॉट नहीं कोल्ड मिल्क खा लेना यू नो सोने से पहले एसिडिटी के लिए। एंड लाइक क्या बोलूँ, इतना फैंटास्टिक वर्क किया है ना, लाइक अभी वो एसिड का प्रॉब्लम टोटली चला गया, बिकॉज मुझे होल डे एसिड का प्रॉब्लम नहीं होता था, वो सिर्फ रात में ही होता था। एंड हम लोग के पार्क के वहाँ पे वो फील्ड है ना, तो अभी वहाँ पे ना क्योंकि बिग डॉग इज ना एक्चुअली दे नीड टू रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी यू नो, वो लोग एनर्जी रिलीज नहीं करते तो प्रॉब्लम होता है, इसके लिए तो ठीक है, इसको तो एक राउंड ऐसा घुमा दो ये टायर्ड हो जाता है, तो वो लोग ऐसे खुला लाइक फुल अभी खेल रहे हैं, तो हम लोग वो साइड पर इसलिए नहीं जाते। एंड चलिए आप सबको टाइम दिखा देते हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय कर लेते हैं। तो अभी टाइम हो रहा है, इट इज 8:45 एंड विद दिस मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। कल एक्चुअली बिरयानी बहुत टेस्टी हुआ था एंड बहुत सारा है, तो आज भी हो जाएगा। आज एक्चुअली मैंने एक नैनी को बुलाया है लाइक उस फॉर हर इंटरव्यू, देखती हूँ वो क्या बोलती है एंड डेफिनेटली हाउ मच शी चार्ज, क्योंकि वो लाइक हम लोग के विलेज में ही रहती है, सो इट्स अ गुड थिंग। तो बहुत मस्ती कीजिएगा एवरी वन, वीक डेज है तो भी कोई बात नहीं है। एंड आई विल ट्राई टू मीट यू ऑल टुमारो विद अ न्यू वीडियो, अंटिल देन स्टे हैप्पी, एंड पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक। एंड हाँ, वो श्रिम्प बहुत टेस्टी हुआ था, दोज ऑफ यू हु लाइक श्रिम्प यू कैन मेक इट इन दिस वे, आप ऐसे इवनिंग स्नैक्स के जैसे भी खा सकते। तो चलिए बाय बाय।